बात है वह जो घोषणाएं माननीय रेल मंत्री ने की हैं, अक्सर आप देखते होंगे रेलवे में अनारक्षित जो यात्री हैं उनके बारे में बड़ी स्थिति उनके लिए खराब होती थी। आज एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, अंत्योदय एक्सप्रेस और दीनदयालु डिब्बे। देश के अंदर आम जन ने इसको स्वीकार किया है और उन सवारी डिब्बों में आरक्षित यात्रियों के लिए भी जो व्यवस्था दी है, तीन प्रकार की रेलगाड़ियों को चलाने का, हम सफर, तेजस और उदय रेलगाड़ियां, ये महत्वपूर्ण जो गाड़ियां हैं भारतीय रेल को विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करने का एक प्रयास है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे के शौचालयों में अब यानी पिछले वर्ष एक वर्ष में 17,000 जैव शौचालय लगाए गए और आगामी वर्ष के लिए इसका लक्ष्य 30,000 जैव शौचालय लगाने का जो प्रयास है, यह माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के साथ रेल के द्वारा किए जा रहे उसमें सहयोग के स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत के प्रयास को कहीं न कहीं एक मजबूती प्रदान करता है। महोदय, यात्री बीमा रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा करने के लिए एक बेहतर प्रयास है और इसमें अनेक जो प्रयास किए गए हैं, जैसे रेलवे विश्रामालयों को घंटे के हिसाब से आमंत्रित करने जननी सेवा और स्मार्ट सवारी डिब्बों का प्रस्ताव, रेलवे के ढांचागत विकास की दृष्टि से किए जा रहे प्रयास जिसमें निर्माण परिचालन और अनुरक्षण में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और उसके लिए किए जाने वाले प्रयास, जैसे उपनगरीय गलियारा परियोजना, हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन, डेडिकेटेड फ्रेट लाइनें, ट्रेन सेटों सहित चल स्टॉक, इंजन और सवारी डिब्बों के निर्माण अनुरक्षण की सुविधा, रेल विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, फ्रेट टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल, रेल लाइन से संबंधित औद्योगिक पार्क में की अवसंरचना और द्रुत गति परिवहन प्रणाली, जिसमें अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसमें विश्व बैंक आदि संस्थानों से भी सहयोग लेने की प्रक्रिया भारतीय रेल ने प्रारंभ किया है और मुझे लगता है कि भारतीय रेल को विश्व स्तरीय रेल सेवा प्रदान करने का जो माननीय रेल मंत्री का प्रयास है, हम सबको इसकी सराहना करनी चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, इसके साथ जो आम यात्री और इस देश के आम नागरिक को ध्यान में रख करके बिना यात्री किराया बढ़ाए और बिना माल भाड़ा को बढ़ाए हम आम जन को कैसे राहत दे सकते हैं, इसके लिए जो आय बढ़ाने के जो विभिन्न तरीके मंत्रालय ने तलाशे हैं, मुझे लगता है कि वे अत्यंत स्वागत योग्य हैं, जिसमें खाली भूमि पर और रेलवे स्टेशनों के ऊपर खाली स्थानों के अधिकारों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्टेशनों का पुनर्विकास, रेल पथों के आसपास की भूमि को बागवानी तथा वृक्षारोपण के लिए पट्टे पर देकर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का मौद्रीकरण, डाटा सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्ट प्रसंपत्तियों और भारतीय रेल द्वारा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही कुछ सेवाओं में मौद्रीकरण और वेबसाइटों और ई कॉमर्स गतिविधियां बढ़ाना, विज्ञापन राजस्व बढ़ाने को और को ब्रॉडिंग के लिए एजेंसियों के साथ साझेदारी करने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और बड़े स्टेशनों के बाहर रेल पथों के आसपास की भूमि पर विज्ञापन देना, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए सेक्टर खोलने सहित मौजूदा पार्सल नीति को उदार बनाकर पार्सल कारोबार की ओवरहॉलिंग, पार्सलों की ऑनलाइन बुकिंग और ई कॉमर्स जैसे बढ़ते सेक्टरों के लिए रेल सेवाओं का विस्तार करना। महोदय, हम सबको इस बारे में स्वीकार करना चाहिए कि एक प्रबंधन के अंतर्गत संचालित भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े उपक्रमों से में एक है। लगभग 13 लाख रेल कर्मचारियों के कार्य कुशलता के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जो प्रयास होने